अस्सलाम वालेकुम, डेली मार्केट रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। केसी 100 इंडेक्स आज 147 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ बंद हुआ है और तकरीबन 45,865 का केसी 100 इंडेक्स लेवल था जब वो बंद हुआ है। ओवरऑल मार्केट में एक्टिविटीज़ जो हैं, शुरू में जब मार्केट स्टार्ट हुई तो मार्केट में एक्टिविटीज़ डल रही और मार्केट जो है बोथ साइड मूव करती रही। ड्यूरिंग द डे हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव भी रही, मार्केट नेगेटिव भी रही, लेकिन ओवरऑल जब मार्केट क्लोज हुई तो नेगेटिव पॉइंट्स के साथ बंद हुई है। आज तकरीबन 200 मिलियन शेयर से ज़्यादा का जो है वो काम हुआ है मार्केट के अंदर। और ओवरऑल मार्केट में जिस वक्त सिचुएशन है वो ख़ास तौर पे एक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थर्सडे वाले दिन है, उसके हवाले से एक अभी भी ज़ाहिर से बात है लोगों की एक्सपेक्टेशन है कुछ 200 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज़ हो सकता है, कुछ की जो है वो डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है, तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। फिर इस तरह जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन या इस वक्त अब तक सिर्फ जो गवर्नमेंट ने बातें की हैं वो सिर्फ बातें ही नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो चीज़ें और ख़बरें बहुत सारी हैं लेकिन कोई मटेरियलाइज होते हुए और अब तक ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। इसके साथ साथ रुपी जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग हो रहा है इंटर बैंक के अंदर और ओपन मार्केट दोनों के अंदर, और पॉसिबली हो सकता है कि अगर इसी तरह क्रैकडाउन चलता है तो फर्दर और थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। लेकिन अभी भी जो एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है ख़ास तौर पे क्योंकि जो इन्फ्लोस की हमारी जो कमिटमेंट्स थी IMF की डील के बाद वो अब तक हमें इन्फ्लोस मिले नहीं हैं, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी जिस तरह मैंने भी बताया कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बहुत सारी कमिटमेंट्स और बातें हैं लेकिन अब तक कोई चीज़ मटेरियलाइज़ नहीं हुई है, तो एक ये बड़ा जो है एक कंसर्निंग इशू है। इसके साथ साथ गैस का सर्कुलर डेट और पावर का सर्कुलर डेट, उसमें भी ऐसा कोई खास बड़ी पेमेंट नहीं है जिसकी वजह से हमने एक तेज़ी देखी थी जो है वो अभी तक देखने में नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं, और मार्केट जिस तरह हमने पहले भी बताया था और आज पॉसिबली आगे भी जो है मार्केट इसी तरह एक रेंज बाउंड मूव करती रहेगी और मार्केट में एक्टिविटीज़ भी जो है वो थोड़ी सी डल रहेंगी। आज सबसे ज़्यादा काम जो है बैंक अल्फ़ला के शेयर के अंदर हुआ है, इसके बाद जो है के इलेक्ट्रिक और PPL के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा काम देखने में आया है। थैंक यू।